उम्मीद करी जाती थी कि बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सीनियर सिटीजन के लिए तो कम से कम शायद बैठने के कुछ अच्छे अरेंजमेंट करता, पानी का अरेंजमेंट करता, शेड का इंतजाम करता, लेकिन हाथ में इनके लाठी है, यहाँ पर मजबूर है इस तरीके से ये खड़े होने के लिए। लाइनी तो इतने मूर्ख लोग आहेत की तो बघा किती गर्दी झाली। आता आम्ही भी इथे केव्हाच आहे, 2 तास उभा आहे। ये बोल रहे हैं कि 2 घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है। चलिए गिनती शुरू करते हैं। 31, 32, 33, 34, 35, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 68, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 100. सौ का आंकड़ा हो गया, बैठे रहिए माता जी आप। देखिए लोगों का क्या हाल है, मजबूरन यहीं पर ये फुटपाथ पर बैठने के लिए। हाँ बोलिए बोलिए। लोगों की बहुत बुरी हालत है। एक्चुअली यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन नहीं है। यहाँ पर एटलीस्ट सीनियर सिटीजन का जो सेकंड डोज है उनकी लाइन अलग होनी चाहिए। उन्होंने सब सेम लाइन रखी है, सिंगल लाइन और सिंगल डोज वाले, डबल डोज वाले सब एक ही लाइन में खड़े। हम गिनती आगे शुरू करता हूँ। 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
मजबूर है इस तरीके से यहाँ पर बैठने के लिए, रास्ते में जो एक पेड़ मिला है उसकी छांव में ही बैठे हैं। एक काम कीजिए ना, इधर का क्या इन्फॉर्मेशन हमें दीजिए ना, हम 1 किलोमीटर आगे है दरवाजा क्या, 1 किलोमीटर पीछे दरवाजे में, और हम 8 बजे से बैठे हैं। हेल्पलाइन नंबर में कॉल किया था, हेल्पलाइन तो डेड है, ऐसा काम नहीं करता हेल्पलाइन। एक काम करो ना, आप उधर जाके से हेल्पलाइन काम नहीं करता जी। नहीं, हमेशा वो बोलते हैं कि व्यस्त है, नहीं तो आउट ऑफ ईच। चलिए 150 पे थे हम, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दो सीनियर सिटीजन और यहाँ पर बैठे हुए हैं, 52, 53, 54, 55, 56, 67, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100. 200 यहाँ पर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 बजे से सुबह आज 3 दिन कंटिन्यूस खड़े रहते, कुछ फायदा नहीं है। 209, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 300 लोग कम से एक गेट से दूसरे गेट तक मैंने काउंट किया है, अभी तो सिर्फ 300 लोग मैं काउंट कर पाया हूं। इस गेट के आगे लोगों की कितनी भीड़ है ये भी आप यहां पर देख सकते हैं। इस गेट के आगे भी वही आलम है जो हमने पिछले गेट में देखा था, और ये लाइन अभी खत्म नहीं हुई है। यहां से भी खड़े होकर, यकीन मानिए, यहां से भी खड़े होकर अगर दूर तक मेरी नजर जाती है तो भी मुझे मुंबई वासियों की लंबी चौड़ी कतार नजर आ रही है। गिनती है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अगर के डिवाइडर में जाऊं और यहां से मैं देखूं कि यहां पर कितनी भीड़ है, तो यहां से भी मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन महेश मोरे हैं जो आपको दिखाते हुए आ रहे हैं कि देखिए कितनी लंबी लाइन है। 300 तक हमने यहां पर गिनती करी है, और इसके बावजूद भी इतनी ही दुगनी या तिगनी संख्या में आप समझ सकते हैं
कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो वैक्सीन लगाने की चाहत में यहाँ पर सुबह सवेरे से खड़े हैं। वृद्ध लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सीनियर सिटीजन हैं जो यहाँ पर कंप्लेन कर रहे हैं। मोदी को भी एक बार हम लोग लाने वाले नहीं है मोदी को। देखो सरकार के प्रति, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबके प्रति यहाँ पर लोगों का गुस्सा भी किस तरीके से फूट रहा है। एक बात तो देखिए लोग गुस्साए हुए हैं, एक बात तो तय है कि ग्राउंड जीरो पर जिस तरीके की सुविधाएं होनी चाहिए थी वो बिल्कुल नादारत है। और जो यहाँ पर लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, ये फिर से कहना चाहूंगा ये बहुत खतरनाक है। मेडिकल फ्रेटर्निटी बार बार ये कह चुकी है वैक्सीनेशन के समय अगर सेंटर्स के सामने सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म का पालन नहीं होता, इतनी लंबी लंबी लाइनें अगर लगी रहती हैं, तो फिर ये तो और खतरनाक घातक साबित हो सकता है।